करण अर्जुन की जोड़ी आज आ चुकी है गाइस हाथ में, रियलमी 5 और 5 प्रो। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब ऐसे पुराना वाला तो रियलमी 3 और 3 प्रो था, तो 4 कहाँ गए? तो जैसे हमारे यहाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, ऐसे चाइनीज में वो लोग 4 चौगाड़ा इसके आगे नहीं आ रहा, तो 5 वाला डायरेक्ट आ गया, मतलब अनलकी सा होता है उनके नंबर। तो एक काम करते हैं, अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये हमारे हाथ में आ चुके हैं ये दोनों फोन, और ये मतलब Realme 5 और 5 Pro आपको दिखने में जो लग रहा है वैसा नहीं है। ये छोटा वाला जो है ये 5 Pro है, और ये बड़ा वाला जो है ये 5 है। इन दो फोनों में Realme के बाद जितनी सामग्री थी सब उन्होंने फिट इन कर दिया इसके अंदर। सर आपको इसमें ग्रेडिएंट चाहिए कि जो कट वाला डिजाइन होता है वो चाहिए, या फिर आपको ये चमकीले एक्स्ट्रा डालने हैं इसके ऊपर? और सर बैक साइड वाले कैमरा में आपको वाइड एंगल चाहिए कि टेलीफोटो चाहिए कि इसमें सब? आखिर असली मजा सबके साथ आता है। बैक साइड से दोनों फोन को देखोगे तो सबसे पहली चीज दिमाग में जो आती है वो ये चार आंखें क्या कर रही है, मतलब क्या क्या काम किए जा रहे हैं इन वाले कैमरों से। आजकल ये नया सिस्टम है भाई अलग अलग तरह के कैमरे डालने का। वैसे चमकीली आंखें क्या मस्त मस्त काम करती है ये आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ, बट इसकी जो डिजाइन है वो पूरी प्लास्टिक की है। बैक साइड से ये जो चमकीला वाला मटेरियल होता है वो है, ये काफी कंफर्टेबल है होल्ड करने में, और इस साइड से मतलब ऐसे थोड़ा राउंडेड कर्व्स है। रियलमी 5 प्रो जो है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है, बट वो एक्चुअल साइज में थोड़ा सा छोटा है अपने भाई छोटे भाई से। इस वाले ने हॉर्लिक्स पी लिया था इसलिए ऐसा सीन हो गया। और Realme वाले भाई कितनी तेजी से बना रहे, मतलब एक मैं पबजी इंस्टॉल करता हूँ तब तक भाई और दो फोन और रिलीज कर रहे हैं। अच्छे फोन है अभी तक तो भाई इसकी भी चेकिंग कर ली जाए। वैसे जो बड़ा वाला फोन है ना इसमें डिस्प्ले है वो 720p है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को आंख से देख के ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस ना पता नहीं चलता है। थोड़ा ऐसे जूम इन करके आपको भी कैमरे में दिखाता हूँ, आप भी मेरे को बताओ आपको कुछ फर्क पता चल पा रहा है कि नहीं। काफी सारे लोग मेरे को बोलते हैं उनको आ रहा है, बट लगा आंखों का इलाज कराना बहुत जरूरी होता जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। गाइस इन दोनों फोन की टेस्टिंग करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि एक बहुत ही संवेदनशील स्टेप आप लोगों के दिल को चोट हो सकता है लग जाए, बट इन फोनों के कपड़ों को हम क्षतिग्रस्त करना कर दिया मैंने दोनों अगर दूसरे वाले का भी कर दूं तेजी से 1 2 3 नाखून यार बड़े होते ना। इन दोनों की जो स्क्रीन में जो चिकनाहट का लेवल है वो हल्का सा कम लगा यार मेरे को इस वाले में भी और इस वाले में भी, और Realme X में सही था, बट इन्होंने इसमें मतलब स्क्रीन में मेरे ख्याल से ओलिफोबिक कोटिंग और जो एक और छोटी छोटी चीजें होती है चिकनाहट जिससे बढ़ जाती है वजह नहीं डाली है। तो मेरे लिए यार इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये जो चार आंखें हैं सबसे पहले तो ये अपना जो ऐसे जिसके अराउंड गोले गोले बना रखे हैं ये अपना मेन वाला है। ये दूसरी आंखें है इसके अंदर थोड़ा ऐसे जूम इन करके दिखता है ये वाइड एंगल वाली है। ये छोटी छोटी आंखें हैं इसमें मतलब ये छोटे काम करने के लिए होती है ये वाइड एंगल है, और ये वाला मैक्रो है। मैक्रो अभी तक और किसी फोन में मैंने देखा नहीं है वाइड एंगल और टेलीफोटो देखें, पर इस प्राइस पॉइंट पे भाई स्पेसिफिकली ये Realme 5 के जो प्राइस पॉइंट पे चार कैमरे देखना भाई बहुत ही बड़ी बात होती है। बट भाई कैमरे में दम हो तब तो थोड़ा पता भी चले। तो टेस्टिंग में कर लेते हैं 5 और 5 प्रो में नीचे के तीन कैमरे ये सेम है, बस ये वाला जो है ये थोड़ा सा अपग्रेड है। तो ये मैं सस्ते वाले जो 5 है जो 10,000 के नीचे आएगा उसकी फोटो आपको खींच के पहले दिखाता हूं। ये है अल्ट्रा मैक्रो वाला। तो मैक्रो वाले से बेसिकली होता क्या है कि ऐसे चमड़ी वमड़ी की ऐसे फोटो खींचनी हो डिटेल में तो वो बढ़िया से आ जाती है। हम शमशेर भाई की ऐसे आंखों को विचलित कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम अगर पास ले आऊं तो वो फोकस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए रहता है इसको फोकस करने के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मैक्रो तो नहीं है और मैक्रो वाले में कुछ खास डिटेल भी नहीं आ पा रही है। और इस सेम फोटो अगर मैं ऐसे नॉर्मल लेंस से खींचूं इसी को अगर मैं थोड़ा जूम इन करके देख लूं तो इसमें ज्यादा डिटेल आएगी, और टेलीफोटो वाले से भी जूम इन करके खींचूंगा तो उसमें भी ठीक ठाक डिटेल आ जानी चाहिए। यार मेरे लिए मैक्रो वाला मेरे को ऐसा कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया क्योंकि मैं इसको एकदम पास भी नहीं लेके जा पा रहा हूँ, इसको हल्का दूर से खींचना पड़ता तो फोकसिंग डिस्टेंस में थोड़ा बेटर रहता तो मेरे ख्याल से मैक्रो वाला ज्यादा काम आता। बट यार बाकी सारे तो मेरे को ठीक ही लग रहे हैं, एक बार ना ऐसे फोटो भी खींच के देख लेता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा भाई डायनेमिक रेंज कैसे मेंटेन करें। तो जैसे कि आप लोगों को दिख पा रहा हो हल्का सा ऐसे एक्सपोजर में बैलेंस करने में दिक्कत है, बट ऑप्टिमाइजेशन यार काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक मतलब नॉइज भी ठीक ठाक बैलेंस करो, और मेरे को काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है रियलमी एक्स से एटलीस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। बहुत ज्यादा ओवर शार्पिंग जो हो रही थी वो नहीं हो रही। सेल्फी वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, सबसे पहले तो भाई ब्यूटी व्यूटी सब बंद करना पड़ता है नहीं तो हम स्नो वाइट बन जाते हैं। तो ये वाली इसने फोटो खींच के दी है और डिटेल मेरे को काफी अच्छी लग रही है। और इस वाली में एक चीज मेरे को और अच्छी लगी कि बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं हुई है और जो स्किन टोन्स है वो भी अच्छे खासे बैलेंस हो रखे। यार मेरे को कैमरा इसका काफी अच्छा लगा, और एक बार Realme 5 Pro का भी एक बार चेक कर लें फ्रंट और बैक। 5 Pro वाले में ऑप्टिमाइजेशन सिमिलर सी है बट डिटेल थोड़ी सी इंप्रूव्ड है, और एक बार फ्रंट भी इसका चेक करें
और जो फ्रंट है उसमें और भी ज्यादा डिटेल्ड इमेज आपको देखने के लिए मिल रही है। काफी अच्छी मेरे को इमेज लगी यार 5 और 5 प्रो की कंपैरेटिवली, मतलब पुराने वाले भी जो रियलमी एक्स भी है उससे भी अगर आप कंपेयर करते हो तो मेरे ख्याल से आपको बेटर फोटो खींच के देगा, क्योंकि मैं लास्ट रियलमी एक्स यूज कर रहा था तो उससे ऑप्टिमाइजेशन में भाई इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये काफी अच्छी बात है, फटाफट फोन निकले जा रहे हैं और फटाफट में चेंजेस भी हो जा रहे हैं चीजों में। और हाँ भाई वाइड एंगल वाला दिखाना भूल गया था, ये भी डिसेंटली वाइड है और फोटो में जो डिटेल है वो भी डिसेंट है, बहुत तगड़ी नहीं है बट भाई यूजेबल फोटोज है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको वाइड एंगल देखने के लिए मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट वाइड एंगल और टेलीफोटो भाई यूजेबल है। जब भी ऐसे बिरयानी बनाई जाती है उसके अंदर से मसाला थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है तब भी ऐसे सुबह दिक्कत होने लगती है, वैसे सेम सीन इसमें भी है, मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ बेचारा ऐसे बैलेंस कर रहा है फोन। और ये आपको सॉफ्टवेयर में देखने के मिलता है, मैंने रियलमी एक्स भी यूज कर रहा था काफी देर और मेरे को ऐसा फील हुआ था कि हल्का हल्का ऐसे कहीं बग है, कहीं कुछ ऐसे दिक्कत है छोटी छोटी सॉफ्टवेयर में, कि मतलब ऐसे परफॉर्मेंस और बैटरी को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड ऐसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है, गेम खेलने तो एकदम फुल ऐसे गेमिंग मोड में चलाया जाएगा, बैटरी बचाने तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चल पाएगा। पर मैं रियलमी के फोन्स में नोटिस कर रहा है कि भाई जो यूआई है ना बैटरी सेविंग के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो समझ लो आपने ऐसे क्रोम पे ऐसे 30-40 टैब खोल दिए या समझ लो 5-6 टैब भी खोल दिए, तो बैकग्राउंड में टैब्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली बंद होते आते हैं और जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस है ना वो ज्यादा चल नहीं पाते, तो इससे गेमिंग परफॉर्मेंस तो बहुत सही हो जाती है और बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट यार थोड़ा से हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है आपको यूआई में कभी कभी, और सेम ऐसा कैमरे में भी है। और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे अभी ऑटो ब्राइटनेस है, अगर मैं इसको पूरा हाथ भी रख दूं मतलब इसको पूरे अंधेरे में भी कर दूं तब भी इसकी ऑटो ब्राइटनेस ऐसे कम नहीं होती है, और कभी कभार ऐसे को रीसेट करूंगा तो वापस ये ठीक हो जाएगी। अब देखो अब ठीक हो गया और इतनी ब्राइटनेस रहनी चाहिए थी। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हल्के फुल्के मेरे को बग्स देखने के लिए मिले जब मैं यूआई को यूज कर रहा था, तो बहुत ही 100% पॉलिश्ड एक्सपीरियंस नहीं था बट स्पेक्स पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फोन है। और इस सारे फोन्स में कॉमन है रियलमी के, तो ऐसे कुछ ऐसे अलग सा फोन नहीं है ये मैं थोड़ा ऐसे इन डेप्थ यूज कर रहा था, ऐसे पता चली छोटी छोटी चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, पबजी में चला लेता हूं दोनों फोन, छोटा वाला फोन है इसमें 712 है स्नैपड्रैगन पर इस वाले में 665 है, भाई इसमें थोड़ी देर में घोड़ना है तो जब तक इसमें खुलेगी तब तक इसमें खुल जाएगी। Oh my god, yes, 100% गेमिंग मोड, खेलेंगे गेम। तो भाई अभी HD पे हाई सेटिंग्स पे चल रही है और भाई ग्राफिक्स मेरे ख्याल से नए वाले वर्जन में थोड़ा बहुत इंप्रूव भी कर दिए, बट मेरे को एक्चुअल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, कुछ भी ऐसे लैग वैग ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा। हो सकता है अगर आप ऐसे नॉर्मल इन गेम खेलोगे तो हल्का फुल्का आपको फ्रेम ड्रॉप देखने के मिले, बट यार अभी के लिए तो मेरे को परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव सी लग रही है इसमें। ये इस वाले पे 712 चल रहा है, 712 एक्चुअली मतलब 20-25 हज़ार के अराउंड के फोन्स में देखने के मिलता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे आना भाई बहुत ही बड़ी बात है। रियलमी 5 पे HD वाला भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ये दिखा रहा है कि डिवाइस के लिए फोन अवेलेबल होगा, अभी खाली बैलेंस पे मीडियम पे चल पा रही है। बैलेंस पे मीडियम पे भी हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है आपको, वैसे तो ठीक है परफॉर्मेंस बट इस पे प्लेबल तो 100% नहीं है, इससे एक सेटिंग कम पे आपको चलानी पड़ेगी, तब मेरे ख्याल से स्मूथ पे अगर आप चलाओगे तो बढ़िया चल जाएगी। बट ठीक है यार परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट के लिए, मतलब 10,000 के नीचे अगर पबजी चल पा रही है बढ़िया भाई वही बहुत बड़ी बात होती है, और ग्राफिक्स और बड़ी स्क्रीन देखने के मिल जाते हैं आपको। और लास्ट चीज भाई जूस की बात करी, जूस मतलब बैटरी के जूस की बात कर रहे थे, इस वाले में 4000 mAh के अराउंड की बैटरी है, इसमें 5000 है तभी थोड़ा सा बड़ा है, और इस वाले में आपको वूक चार्जिंग देखने मिल जाती है, इस वाले में नहीं है, वूक से मतलब बहुत तेज चार्ज जाता है, तो वो एक ऐसी चीज है कुछ लोगों के लिए बड़ी बात होती है। बट ओवरऑल यार मेरे को दोनों फोन्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और प्राइस पॉइंट के हिसाब से मतलब जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी अच्छी है, पर थोड़े बहुत चेंजेस अगर यूआई में इंप्रूवमेंट्स हो और थोड़े बहुत जो बग फिक्सेस हैं वो सारे हो जाएं और कैमरे में भी हल्का सा इंप्रूवमेंट हो, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं वो सारा ऐसे मसाला ऐसे फिक्स हो तो भाई क्या मस्त पैकेज बन के निकलेगा। पर एक तो और भी फोन निकलने वाले हैं एक दो और ब्रांड्स की तरफ से, तो भाई उनकी भी टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। और इतना इस वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, और मैंने ओ भाई बहुत ही ज़्यादा तेज बोलिए, बाय बाय।